ओके, विल स्टार्ट नाउ. टेक 4 नंबर और 6 नंबर ब्रश, राउंड ब्रश. सो दिस इज कॉल्ड राउंड ब्रश. इस टाइप का 6 नंबर या फिर 4 नंबर का ब्रश है. Is everyone have watercolors? Is there anyone who don't have watercolors? Is there anyone who जिसके पास नहीं है तो मुझे बताओ, so that I can tell you the option. दूसरे option में आपको बताऊँ. Here I'm taking yellow. अभी water color हमें कैसे use करना है? 50% water and 50% color. You have to use 50% water and 50% color. In this way, we will follow on the entire drawing. ये जो आपका पैलेट होता है, इस साइड में पैलेट होता है. अगर आपका इस टाइप का बॉक्स है, तो दिस इज योर पैलेट. Now slowly we'll take the different shapes. Just add some water on colors. Those who are using tubes, जिनके पास tubes, water color tubes है, आपको क्या करना है, palette में color निकाल लो दो तीन. जैसे कि main basic color जो होते हैं, primary shades कौन से होते हैं? Can anyone tell which are the primary shades? Red, yellow, blue. Red, yellow, blue. Red, yellow, blue. Blue में से you can take cerulean blue or cobalt blue. Then take green also and a little bit orange. Those who are using tube water colors. आपको क्या करना है? थोड़े थोड़े colors पैलेट में निकालना है. बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं निकालना है. जैसे हम पोस्टर कलर करते थे वैसे नहीं निकालना है. पोस्टर कलर ज्यादा लगते हैं वाटर कलर्स में. वाटर कलर वाटर ज्यादा लगता है और कलर कम लगता है. सो प्लीज टेक अ वेरी लिटिल क्वांटिटी. एंड दोज हु आर यूजिंग केक्स लाइक दिस, तो आपको डायरेक्टली यूज करने हैं. बस उसमें आपको क्या करना है, पहले वाटर यूज कर देना है थोड़ा सा. अभी जैसे जैसे मैं कर रही हूँ यूज कलर्स, वैसे वैसे आपको करते जाना है. 50% कलर एंड 50% वाटर लेना है. बहुत ज्यादा वाटर भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा कलर भी नहीं चाहिए ब्रश में. सी दिस इज द क्रिम्सन रेड. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पैलेट में little bit is cool. I'm adding a little bit more water here because I want a little bit light shade. Water color में कैसा आता है कि आपको अगर light shade चाहिए तो आपको water उसमें ज़्यादा mix करना है. You cannot use white. जो transparent media है ये water color का, इसमें आपको white use नहीं करना है. Good evening, ma'am. I have joined just now. Good evening, Siddhi. Okay, just take your watercolors. We have just started. Take 6 number brush. 6 number round brush, everyone. 6 number round brush chahiye. फिफ्टी परसेंट कलर एंड 51% वाटर ले रहे हैं हम. बहुत ज्यादा वाटर नहीं लेना है और ड्राई ब्रश ब्रश भी यूज नहीं करना है आपको. वाटर होना चाहिए ब्रश में, वाटर होना जरूरी है. इस मीडिया का नाम ही वाटर कलर है, तो ड्राई ब्रश बिल्कुल भी यूज नहीं करना.
इज देयर एनीवन हु डोंट हैव वाटर कलर्स, मुझे बताओ सो दैट आई कैन टेल यू द डिफरेंट ऑप्शन. में दूसरा ऑप्शन उसको अल्टरनेटिव आपको बताओ. अभी देखो हम कंटिन्यूअसली क्यों नहीं करें, जैसे कि ये किया फिर इसके बाद ये, हाँ ऐसे क्यों नहीं करें, क्योंकि अगर मैंने अभी यहाँ पे ये किया है, ये थोड़ा वेट है, मतलब यहाँ पे देखो वाटर ही दिख रहा है आपको. अगर मैं क्विकली यहाँ पे करूंगी, इसके बाजू में करूंगी, तो क्या हो जाएगा, दोनों कलर मिक्स हो जाएंगे. तो वाटर कलर में कैसे करना है कि जब तक ये ड्राई होता है तब तक आप दूसरा कर लो, फिर ये कर लो, ऐसे करो, मतलब दूर दूर वाले करो, फिर ये ड्राई होने के बाद इसका बाजू वाला करो. सो वी हैव टू फॉलो दिस वन. यस, किसी को कुछ क्वेरी है? अभी ये मैम थोड़ा आपने और, वो पिंक यूज किया या रेड? ये वाला ये ही है रेड वाला, मतलब यहाँ पे दो रेड होते हैं, एक स्कैरलेट होता है और एक पिंक होता है, मतलब क्रिम्सन होता है, ऐसे दो रेड होते हैं. तो जो क्रिम्सन होता है दैट इज अ लिटिल बिट पिंकिश रेड, एंड स्कैरलेट जो होता है दैट इज अ लिटिल बिट ऑरेंजिश रेड. सो एनीवन यू कैन यूज, आई एम यूजिंग दिस वन. दिस वन इज द क्रिम्सन. एंड मैम विच मैम येलो? मेरा 36 शेड्स का पैलेट है, तो फिर उसमें पिंक भी है. सॉरी, मैम आई हैव 36 शेड्स पैलेट, सो आई हैव पिंक ऑल्सो. ओके, यूज द डार्क वन, अ लिटिल बिट डार्क वन. सो यू कैन यूज द टू डिफरेंट शेड्स देयर, डार्क वन वेयर आई एम यूजिंग कलर मोड, देयर यू कैन यूज डार्क वन, एंड वेयर इफ यू हैव द लाइट वन ऑल्सो, हियर यू कैन यूज लाइट वन. ओके मैम. मैम विच वन येलो यू आर यूजिंग? This one. ओके Okay, now on this R, I'm using the same red. Just here, I'm using color more and water less. See the difference? I'm using the same color. यहाँ पर भी मैंने same color use किया है और यहाँ पर भी same. Just the difference is that here I'm using color more. वन मोर थिंग, वेन यू यूज द वॉटर कलर्स ब्रश आप यूज करते हो, तो उसको ऐसे ऐसे कभी भी नहीं करना है. एवरी टाइम यू हैव टू, देखो हर टाइम में क्या करूँ, एवरी टाइम आई एम पुलिंग आउट, उसको क्या करूँ, मैं नीचे नीचे लेके आ रही हूँ. कैसे लेके आ रही हूँ, उठा के, ब्रश को उठा के, ब्रश को आपको उठा के, फिर नेक्स्ट इस तरह से आपका ब्रश एप्लीकेशन आना चाहिए. कलरिंग में जब आप वॉटर कलर्स पोस्टर कलर्स कर रहे हैं तो आपका ब्रश एप्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. आपके कलरिंग से ही पता चल जाता है कि आपका प्रैक्टिस कितना है कलर्स के ऊपर, ब्रश के ऊपर आपका कितना प्रैक्टिस है. ये अभी तक ड्राई नहीं हुआ है, कंटिन्यू करते हैं इस साइड में. टी आई एम यूजिंग अ लिटिल बिट शेडिंग हियर. अभी पहले मैं क्या कर रही हूँ, येलो करूंगी पहले, एंड क्विकली आई विल यूज अ लिटिल बिट ऑरेंज फ्रॉम बॉटम बिफोर इट ड्राई. येलो ड्राई होने से पहले क्या करूंगी मैं, यहाँ पे आई विल यूज अ लिटिल बिट ऑरेंज. अभी देखो ये ड्राई नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऑरेंज लिया मैंने थोड़ा, इस
इसको आप स्प्रेड कर दो थोड़ा ऊपर की तरफ, नाउ आई वॉश माई ब्रश वाइप इट एंड जस्ट ब्लेंडिंग ब्रश हियर लिटिल सो दैट इट विल नॉट लुक लाइक अ पैच। देखो अभी यहाँ पे शेडिंग क्रिएट हो गया। ये तभी हो सकता है जब आप ये वाला जो येलो है ये जब तक गीला है ना तब तक ही ये हो सकता है, अदरवाइज क्या होगा इफ इट इज ड्राई देन इट दिस विल नॉट मिक्स। तो दोनों कलर भी वहां पे वेट होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड वेट ऑन वेट टेक्निक। ये वाटर कलर्स का वेट ऑन वेट टेक्निक बोलते हैं इसको। इन द सेम वे विल यूज ग्रीन ऑन दिस साइड। इज एवरी वन डूइंग विथ मी? मेरे साथ ही करना, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ देखते रहो, कंटिन्यू करो मेरे साथ। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जहां पे आप कलर कर रहे हो उसके आजू बाजू जो कलर किया है इट शुड बी ड्राई, वो वेट नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ड्राई होना जरूरी है। यहाँ पे मैं ब्राउन यूज कर रही हूँ। बीच बीच में आपको वाटर को ऐड करना है कलर्स में। कलर अगर केक्स अगर ड्राई हो गए हैं तो यू हैव टू वॉश द ब्रश, डिप योर ब्रश इन द वाटर एंड देन यूज द कलर। So let's try. So here I can use the brown. वॉटर कलर्स और पोस्टर कलर्स ये बहुत ही सुंदर मीडिया है, आप जितना भी जैसे चाहे काम उसमें कर सकते हो। बाहर नहीं जाना चाहिए कलर, जहां पे आप कलर कर रहे हो अच्छी तरह से वो एरिया पूरा कवर करो, उसके बाहर नहीं जाने देना।
जैसे मैंने बताया था ब्रश को ऐसे ऐसे कभी नहीं करना है। हाँ, दीज आर नॉट ऑयल पेस्टर्स। इसको अच्छे से उठा के फिर यूज करना है। रेड अगर आप डायरेक्टली उठा के करोगे ना, बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे ना पैलेट में उसको थोड़ा सा ब्रश को पहले यूज करो यहाँ पे, एंड देन यूज। देखो अभी यहाँ पे मेरा पानी खत्म हो गया है, इसके अंदर जो डालना था लिटिल बिट वाटर या ब्रश से ही डालना है। स्लोली स्लोली यूज करो अच्छे से। अभी देखो ये जो अभी कलर में यूज करी हूँ, इसके ऊपर और नीचे मैंने सेम कलर यूज किया है। जस्ट द डिफरेंस इज दैट वहां पे मैंने वाटर ज्यादा यूज किया था, यहाँ पे मैंने कलर ज्यादा यूज किया। बहुत ज्यादा वॉटरी भी नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, आपका डल दिखेगा पेंटिंग जो है वो डल दिखेगा, क्योंकि वॉटर कलर जो होते हैं थोड़े से थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा उसको मतलब वो थोड़ा सा लाइट हो जाते हैं पेपर के ऊपर भी। तो यहाँ पे आपको 50% कलर और 50% वॉटर ही यूज करना है। इसके ऊपर हम थोड़े से डॉट्स देंगे इसको ड्राई होने के पहले। अभी यहाँ पे आई थिंक मैं ना थोड़ा सा रेडिश वॉयलेट जो होता है वो यूज करेंगे। सो कैन एनीवन टेल मी वॉयलेट इज विच शेड, प्राइमरी और सेकेंडरी? गुड। सेकेंडरी रेड और कौन से दो कलर मिक्स करके वॉयलेट बनेगा? एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू, करेक्ट। एंड इफ आई वांट रेडिश वॉयलेट देन रेड रेड मोर मोर एंड ब्लू लेस। यस, करेक्ट, गुड। सी वॉलेट कलर इज द सेकेंडरी कलर। पहले प्राइमरी कलर्स कौन से है? रेड येलो ब्लू। रेड येलो ब्लू, अभी ये तीन कलर में से कौन से भी दो कलर मिला के बनते हैं सेकेंडरी कलर। जैसे रेड येलो ब्लू है तो रेड और येलो को हमने मिक्स किया तो बनता है ऑरेंज। फिर रेड और येलो सॉरी ब्लू और येलो को मिक्स किया तो बनता है ग्रीन, एंड रेड एंड ब्लू को मिक्स किया तो बनता है वॉलेट। तो अभी जब हम प्राइमरी कलर्स को मिक्स करते हैं देन वी विल गेट सेकेंडरी कलर्स, और जब हम सेकेंडरी कलर्स को मिक्स करते हैं फिर उसको बोलते हैं टर्टियरी कलर्स। तो अभी ये जो वॉलेट यहाँ पे शेड बना ये कौन सा है? सेकेंडरी है। अभी वॉलेट में भी अगर हम यहाँ पे अगर मैं रेड ज्यादा यूज करूंगी तो वो होगा रेडिश वॉलेट, और ब्लू अगर ज्यादा यूज करूंगी तो होगा वो ब्लूइश वॉलेट।
यहाँ पे आप कौन सा रेड यूज करते हो वो भी डिफर करता है कलर। जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्कैरलेट लेक अगर यूज करोगे तो आपका वॉलेट डिफरेंट बनेगा। अगर आप अगर क्रिम्सन यूज करोगे तो वो इस टाइप का बनेगा। इवन ब्लू भी, अगर आप जो ब्लू यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। ब्लू का शेड आप कोबाल्ट यूज करते हो तो डिफरेंट आएगा शेड, सेरोलिन यूज करते हो तो डिफरेंट आएगा। माही, हैव यू ज्वाइन जस्ट नाउ? माही, आर यू देयर? ओके, यहाँ पे अभी ये हो गया हमारा वॉलेट शेड। इसको ड्राई होने के बाद हम यहाँ पे डॉट्स देंगे। देखो अभी येलो मेरा ड्राई हो गया है, सो आई कैन नॉट यूज इट, सो आई हैव टू एड सम वाटर हियर। I'm mixing a little bit orange with it. Yes, yes, Mangi, have you joined us now? The same shade of wallet. I will use on this area. कौन सा भी वर्ड आप ले लो उसको आपको अच्छे से इस तरह से डेकोरेट करने को आना चाहिए। अभी अगर मैं अगर वाटर थीम ले, वाटर वर्ड लेती हूँ तो वाटर को मैं इस तरह से डिजाइन नहीं करूंगी। हाँ, ये बर्थडे वर्ड है इसलिए हमने इसको ऐसे डिजाइन किया है। अगर आपको सेव वाटर ऐसे वर्ड आता है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करना है उस लेटर को, उस वर्ड को। हेलो यस मैम, कौन बोलता है? मजा आवाज येतो है? यस यस माही बोलती है. हाँ माही, तू आत्ता ज्वाइन झाली का? मी बाहेर आली आहे. हो, पण मी बाहेर आली आहे त्याच्यामुळे मला आता काही करता येणार नाही. अच्छा ठीक आहे, मग तू बघ कसं करत आहे आणि आज कंप्लीट करून मला पाठव वर्क। चालेल. ओके ओके, थैंक यू. ओके अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेरेलिन ब्लू यूज किया है। अलग अलग ब्लू के शेड्स जो होते हैं आप ट्राई करो, मैम, अलग अलग ट्राई करना है हमें, तो अलग अलग हमें पता चलेगा कि कौन सा ब्लू मिक्स करने के बाद कौन सा कलर बनता है। एक्सक्यूज मी मैम, यस हु इज दिस? तो मैम आपने बी को कौन सा कलर यूज किया है? बी, कहाँ पे? टेडी कौन सा लेटर? डी को. डी को? डी को इट्स अ वॉलेट शेड। जैसे मैंने अभी बताया ना, वॉलेट कैसे बनाया, रेड प्लस ब्लू, उसको पैलेट में रेड प्लस ब्लू यहाँ पे मिक्स किया मैंने। ओके मैम.
अनिला हैव यू जॉइन जस्ट नाउ? अभी कैंडल को हम क्या करेंगे, पहले येलो करेंगे एंड क्विकली विल यूज द ऑरेंज वन. सेशन अगर ऑफ होता है तो आपको ज्वाइन करना है विद द सेम लिंक. Here also I am adding yellow and then I will add red one on different layers. This one, green one is dry, so I will use some dots here with the same green. अभी same green से मैं इसके ऊपर dots use कर रही हूँ. अभी यहाँ पे what is the difference? Here I am using color more. So this is called pattern. When you use this type of designs on previous color, previous plain color, this is called the pattern. So we can use different patterns. Design artwork में हम सीखेंगे बहुत अलग अलग patterns हम सीखेंगे. Anila, have you joined just now? Are you there? Okay, now for these triangles, we'll use the red and we'll use red and yellow. So now different red. I'm using a different red. This one, scarlet one. This one is a little bit orangish. If you mix a little bit crimson with that, you will get different shade. यहाँ पे देखो येलो थोड़ा सा वेट था तो वहां पे स्प्रेड हो गया. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा टिश्यू से क्विकली इसको टिक कर दूंगी.
लास्ट वाला जो वाई है वहां पे मैंने दो रेड मिक्स किए हैं, एक जो स्कैरलेट वाला है एंड क्रिम्सन वाला है, थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज लुकिंग, एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है बर्थडे पार्टी है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हमने किया है, जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंगली उसको कलरिंग और डेकोरेट करना है। For the small area, you can use a little bit small number brush also. जैसे कि एक corners है, यहाँ पे अगर आप ड्राई ब्रश यूज करोगे ना तो सारे लाइंस लाइंस क्रिएट हो जाएंगे। सो एवरी टाइम यू हैव टू डिप योर ब्रश इन द वाटर एंड देन टेक कलर। सो बैकग्राउंड को आपको ऐसे ही कलर करना है, क्योंकि ये आप ऐसे ब्रश करोगे फिर उसके बाद देखो ब्रश आपका पूरा ड्राई हो जाता है। वापस मैंने डिप किया वाटर में, अभी मैं वापस कलर लूंगी एंड देन कंटिन्यू। सो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ब्रश भी आप यूज कर सकते हो। अगर आप छोटा ब्रश यूज कर रहे हो 6 नंबर से छोटा, तो 6 नंबर ले लो अभी, 6 नंबर या फिर 8 नंबर भी आप यूज कर सकते हो। दिस वन आई एम यूजिंग 6 नंबर ब्रश।
जब भी आप कोई फाइनल ड्राइंग करते हो तो उसके आजू बाजू में कहीं पर भी स्केचिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है इसके आजू बाजू। पेपर बिल्कुल भी क्लीन रहना चाहिए, आपका ड्राइंग बुक जो है पूरा क्लीन होना चाहिए। जो भी मेन ड्राइंग है उसके अराउंड कुछ भी वर्क नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे हम जो ये डी और ए का ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे सर्कल, ये भी फील करेंगे। ओके सो वी हैव ऑलमोस्ट डन। अभी हम कैन यूज स्केचिंग हियर और यू कैन यूज स्मॉल नंबर ब्रश विथ ब्लैक। 0 नंबर का ब्रश ले लो एंड फॉर द ब्लैक। इट्स नॉट ड्राई, ड्राई नहीं हुआ है अभी तक। ड्राई होने के बाद ही हम इसको बॉर्डर कर सकते हैं। If you have the brown sketch pen, then you can use brown one also for the entire drawing, or the black one. This one is the black one I have. Ma'am, can I use this Uniball pen? Uniball pen, yeah, Uniball pen also can do. Just... Is this a black? Yes, ma'am, it's black. Okay, can you see?
ओके, इन दिस वे कंटिन्यू दिस ऑन एंटायर ड्राइंग. नेवर बॉर्डर ऑन दी आउटर साइड. आउटर में आपको बिल्कुल भी बॉर्डर नहीं करना है. टीचर शुड आई लीव? यस कैन लीव. हु इज दिस? सही. हाँ ये सही सही. सेंड योर वर्क, टुडेज वर्क. यस ओके, वंस यू फ्री सेंड योर वर्क. ओके सो व्हाट आई वाज सेइंग, नेवर डू बॉर्डर फ्रॉम आउटर. आउटर में आपको बॉर्डर नहीं करना है. जो हमारा बॉक्स है इसको बॉर्डर बिल्कुल भी नहीं करना. ओके आई विल शेयर दिस वर्क इन द ग्रुप. यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर. नाउ विल एंड द सेशन. किसको कुछ क्वेरी है उसके पहले? विल एंड द सेशन नाउ. नाउ नेक्स्ट वीक विल बी अवर डिजाइन आर्ट वर्क. It will continue from Monday to Tuesday. मतलब मंडे को जो ड्रॉइंग होगा उसी को हम ट्यूजडे कंटिन्यू करेंगे. एंड फॉर दैट वी रिक्वायर्ड पोस्टर कलर्स. जो हमने लास्ट टाइम यूज किए पोस्टर कलर्स, वी रिक्वायर्ड पोस्टर कलर्स. मैम वी नीड क्रिम्सन रेड फॉर द डिजाइन मैट. यस क्रिम्सन रेड एंड सेरुलिन ब्लू. ओके मैम. ओके तो उसमें से जो छोटे बॉटल है 20 ml की, जिनके बॉक्स में ये कलर्स नहीं है, दोज हु डोंट हैव क्रिम्सन रेड एंड सेरुलिन ब्लू के जो कलर्स है, ये दो कलर्स उसके बॉटल्स अगर आपके बॉक्स में नहीं है तो प्लीज परचेज इट सेपरेटली. सेपरेटली आपको सिंगल सिंगल कलर्स मिल जाएंगे, समथिंग आई थिंक 20 to 25 rupees का ईच आपको मिल जाएगा छोटा बॉटल. ओके लेकिन ये दो कलर्स डिजाइन आर्टवर्क के लिए लगते हैं हमें, क्योंकि ये बहुत सुंदर लगते हैं. इसके डिजाइन आर्टवर्क जो है बहुत अच्छे से हाईलाइट होते हैं. ओके बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीक. नाउ बाय मैम. कैन यू सी माय ड्राइंग वंस? ओके प्लीज शो दिस. शो क्विकली एवरीवन. आई हैव नेक्स्ट सेशन ऑन 6:15 नाउ. Can you see? Yes, that is so beautiful. Very nice. Okay. Okay, bye everyone. Everyone, please send your work on WhatsApp. Okay, up to WhatsApp या फिर email ID पे मुझे send कर दो.